जनता दल यूनाइटेड के अंदर इन दिनों बड़ा जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये खेल सियासत का है और सियासत में वर्चस्व का है। जेडीयू के अंदर इन दिनों सहमत का जो खेल चल रहा है, उसमें एक तरफ वो नेता है जिनको नीतीश कुमार ने ये दायित्व दिया कि वो पार्टी को चलाएं और संगठन को चलाएं, और दूसरी तरफ पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं जो फिलहाल केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कई नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है वो भी दौरा कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इन दिनों बिहार में आभार यात्रा कर रहे हैं। और शनिवार को जो तस्वीरें आरसीपी सिंह के दौरे से निकल करके आई वो तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। और आप देखिए, आरसीपी सिंह इसमें मुकुट पहने हुए दिख रहे हैं और ये सोने का मुकुट है। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए उनके कैंप के नेताओं ने जो तैयारियां की हैं उसका दमखम जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है जमीन पे। एक तरफ ललन सिंह जो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक की, उन्होंने आरसीपी सिंह के करीबी नेताओं का जिस तरह पर कतर दिया, चाहे आप देखिए प्रदेश मुख्यालय के जो प्रभारी थे अनिल कुमार या चंदन सिंह, इन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, इनको जिलों का प्रभारी बना दिया गया और नए लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई प्रदेश मुख्यालय की। उसके बाद ये माना गया कि आरसीपी सिंह के करीबियों को निशाना ठिकाना लगाया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। पार्टी के जो सोशल मीडिया विंग के जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं अमरदीप, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। और अब आरसीपी सिंह के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको संगठन में साइडलाइन आगे और किया जाएगा। लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह जो हैं अपने उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और अपने उन समर्थकों को जो संगठन में हैं, उनको यात्रा के दौरान ये बताना या जताना नहीं भूल रहे कि अभी भी पार्टी के अंदर उनका दखल है, अभी भी पार्टी के अंदर उनकी लोकप्रियता है, संगठन में उनका कहीं ना कहीं आधार है। और शनिवार को सासाराम, रोहतास जो जिला है और विक्रमगंज, इन दो जगहों के दौरे पर थे आरसीपी सिंह। भले ही अनिल सिंह और चंदन सिंह को ठिकाने लगा दिया गया हो, लेकिन शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता हैं कन्हैया सिंह, वो बड़े एक्टिव नजर आए इस दौरे के दौरान, जब आरसीपी सिंह कल जिलों का दौरा कर रहे थे और बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने। और कई जगह पर आरसीपी सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। जैसे विक्रमगंज में जब वो पहुंचे तो संझौली का जो इलाका है उसमें 10 जगहों पर उनका स्वागत किया गया। और पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं अरुणा सिंह, जो जिलाध्यक्ष भी नहीं है रोहतास जिले की, उनकी तरफ से सोने का मुकुट उनको दिया गया। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ शक्ति प्रदर्शन हुआ। तो आरसीपी सिंह ये भी बताना या जताना या उनके समर्थक ये दिखाना नहीं भूल रहे हैं कि अभी भी भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी उनका अपना कद है, उनकी अपनी लोकप्रियता है, संगठन में उनके लोग हैं। तो ये सह और मात का खेल जो है वो इस वक्त जेडीयू के अंदर चल रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि ये दौर बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है जेडीयू के अंदर, ये चीजें अभी और आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो जो बैठक हुई पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर के प्रकोष्ठों की, और उसमें यह तय कर दिया कि प्रकोष्ठों की कोई बहुत भूमिका नहीं होगी, जो जिला की कमेटियां होगी उनके जरिए ही प्रकोष्ठों के नेता काम करेंगे। साथ ही साथ जो लोकसभा और विधानसभा प्रभारी की व्यवस्था थी जो आरसीपी सिंह ने अपने दौर में शुरू की थी उसको खत्म कर दिया गया, सबको पता है। इतना ही नहीं, संगठन में जो बड़े बदलाव हैं उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच आरसीपी सिंह पार्टी में अपनी पकड़ को ढीली होने नहीं देना चाहते हैं। सोने का मुकुट पहन करके आरसीपी सिंह समर्थकों के बीच जब घूम रहे हैं तो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले ये भी लिख रहे हैं कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह हैं। तो क्या पार्टी के अंदर से ही नीतीश कुमार को अब चुनौती मिलने लगी है? क्या आरसीपी सिंह के समर्थक अब खुले तौर पर यह बताने लगे हैं कि आरसीपी ही उनके उत्तराधिकारी हैं? इन तमाम सवालों का जवाब वक्त के साथ भी मिलेगा, तस्वीरें और साफ होंगी। लेकिन जेडीयू के अंदर शह और मात का जो खेल चल रहा है उसमें आगे कौन सा दाव कौन खेमा खेलेगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बस बिहार झारखंड की तमाम खबरों के साथ अब हमसे जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।